Assalamualaikum, this is Sumbul Naz. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about roots of psychology. साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं साइकोलॉजी को लेके, और हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से साइकोलॉजी को डिफाइन किया है. इसमें फिलोसोफर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, और उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने अपना काम किया, कुछ फिजियोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया साइकोलॉजी को एक प्रॉपर डोमेन बनाने के लिए. रूट्स ऑफ साइकोलॉजी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है जॉन लॉक का. जॉन लॉक ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इट इज़ नोन एज टेब्यूला रासा. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जब पैदा होता है, कोई भी पर्सन, तो उसका कोई भी बिल्ट इन मेंटल कंटेंट डेवलप नहीं होता. यानी जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता जाता है, एनवायरमेंट का उसे एक्सपोजर मिलता जाता है, उसकी वजह से ये है कि उसके नॉलेज में इजाफा होता जाता है. यही टेब्यूला रासा का कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस उसके डेवलप होते जाते हैं तो वो अपनी प्रिंट्स छोड़ता जाता है उस ब्लैंक स्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिविजुअल का मेंटल कंटेंट बिल्डअप होता है, और उसकी वजह से उसकी परसेप्शन और उसका नॉलेज इम्प्रूव होता जाता है. प्लाटो के बारे में कहा जाता है दैट ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसफी. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो फिलोसफर्स थे उन्होंने साइकोलॉजी में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और प्लाटो एक फिलोसोफर था, और इसको फिलोसफी में फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है. अब आइडियलिज्म का ये मतलब है कि ऐसे बिलीव्स को फॉलो करना, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलीविंग होती है, या परस्यूइंग की बिलीफ होना, कि कोई एक परफेक्ट विजन या कोई एक परफेक्ट या स्ट्रांग किस्म का आपका बिलीफ हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लोग क्या कहते हैं, इट इज द बिलीफ ऑफ अ पीपल हु थिंक दे कैन सेव द वर्ल्ड. ठीक है, और इनके जो बिलीव्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. अब अकॉर्डिंग टू प्लाटो, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसने कहा था कि माइंड और सोल दोनों मिलके साइकिन इंडिविजुअल की डेवलप करते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा था कि माइंड और सोल टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, हम इनको बिल्कुल सेपरेटली कंसिडर करते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लाटो ह्यूमन्स आर द मेयर ऑफ ऑल थिंग, कि किसी भी चीज़ को मेयर करने के लिए, यानी अब ह्यूमन्स जो हैं वो हर चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं, और उन्हीं की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन किस तरह से डिफरेंट चीज़ों का मैयर कर सकते हैं, तो जैसे माइंड और सोल की ही उसने बात कर ली कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इसी तरह से ट्रेट्स भी डिफरेंट होते हैं इंसान के. अब हर तरह की कैपेबिलिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जाननी चाहिए. और ह्यूमंस जो हैं, जैसे कि एक पर्सन दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा, ना उसकी फिजिकल अपीयरेंस दूसरे से मिलती है, ना ही उसका जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से मिलता है, किसी का भी नहीं, सारी चीजें डिफरेंट हैं. और अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी ऑफ अ सोल इज अनोन, उसने कहा था कि जो हमारी सोल है इट इज़ लाइक अ शेडो, तो हम इसको नहीं कह सकते कि हम इसकी रियलिटी को देख सकते हैं. अब ये जो थे ये जॉन लॉक थे, ठीक है, जिन्होंने टेब्यूला रासा का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये हमारे पास प्लेटो हैं जिनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू पैथागोरस ने, जैसे कि ये भी एक फिलोसोफर ही था, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारी सोल है वो बॉडी के अंदर है. ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी, यानी अगर हमारी डेथ हो जाएगी तो सोल हमारी बॉडी को लीव कर जाती है. इन्होंने ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की बात की थी, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, कि जैसे ही हमारी बॉडी, यानी हम लोग मर जाते हैं, तो हमारी सोल जो है वो बॉडी को छोड़ जाती है, और बॉडी मॉर्टल है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम सोल इज इमॉर्टल. जितने भी फिलोसोफर्स थे वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते थे. सोक्रेटिस था, सोक्रेटिस ने कहा कि साइकी इज द स्टडी ऑफ सोल, और इसने कहा था कि जो बॉडी है उसके सुपीरियर भी कोई चीज़ है और वो सोल है. सोक्रेटिस ने ज़्यादा सोल पे काम किया था, लेकिन इसी के कंपैरिजन में प्लाटो की बात करें तो प्लाटो ने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया था, उसने माइंड एंड बॉडी के बारे में बात की थी. और सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ही ज़रूरी है सोल की प्योरिफिकेशन के लिए, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत अच्छी हो, या फिर हम अपनी सोल की प्योरिफिकेशन चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम हर तरह के सिन से फ्रीफुल रहें, ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, हम लोग किसी भी तरह की बैड जो है वो एक्टिविटीज़ में या एक्ट्स में इन्वॉल्व ना हो, तो उसके लिए नॉलेज को एक्वायर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस.
इसके अलावा अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल भी ग्रीक फिलोसोफर थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम सोल इज लिविंग। अब जिस तरह सोक्रेटिस थे, उन्होंने कहा कि सोल की स्टडी को हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजी है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए ज़रूरी है कि हम नॉलेज एक्वायर करें। अब अरिस्टोटल भी सोल के ऊपर ही बात कर रहे थे, जिस तरह से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, प्लाटो ने कहा माइंड एंड बॉडी, ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा सोल इज लिविंग, और इन्होंने ही फर्स्ट बुक लिखी थी जिसको डी एनिमा कहा जाता है। इसके अलावा सेंट ऑगस्टीन थे, इन्होंने भी सोल के बारे में ही बात की कि सोल हमारे पास इमोर्टल है और बॉडी मोर्टल है और वो इन्फीरियर है। जिस तरह से सेंट ऑगस्टीन ने ये कह दिया कि जो सोल है इट इज सुपीरियर टू आवर बॉडी। जॉन डेवे, जिन्होंने कॉन्शियसनेस पे काम किया था और इन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन ये सोचते थे कि गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से विलियम जेम्स जो थे वो भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने भी कॉन्शियसनेस के ही बारे में कहा था। जिस तरह से जॉन डेवे ने इसको डिफाइन किया था एज अ कॉन्शियसनेस, तो विलियम जेम्स ने कहा था कि कॉन्शियसनेस हमारी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम होती है, यानी हम जो भी सोचते हैं, जो भी बात करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो होती है, और वो जब कॉन्टिन्यूटी उसके अंदर हो तो तभी हम लोग कोई भी बात कर सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हिम दो तरह की कॉन्शियसनेस होती है, एक है फोकल कॉन्शियसनेस और दूसरी है मार्जिनल कॉन्शियसनेस। अब फोकल कॉन्शियसनेस में इस तरह से होता है कि जो फोकल कॉन्शियसनेस वो चीज है जिसको हम अटेंशन दे रहे हैं, लाइक एज आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, तो मेरा फोकस टोटली मेरे ही कॉन्टेंट पे होगा। इसके अलावा इर्द गिर्द क्या है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, ये भी चीज़ें एक लाइक अभी फ़िलहाल मेरी अटेंशन लेक्चर पे है, गर्मी पे समर पे इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इर्द गिर्द जैसे कि अभी जो है रात का टाइम है, तो ये मेरी मार्जिनल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी, वो चीज़ जो कि मेरे लिए अभी फोकस ऑफ अटेंशन है, इट विल बी द फोकल कॉन्शियसनेस। और जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जो कि भी सराउंडिंग में हैं, जिनको मैं इतनी अटेंशन नहीं दे रही हूँ, वो मेरी मार्जिनल कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि कॉन्शियसनेस का ये मतलब है व्हाट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यानी अगर हम सिंपल अल्फाज में भी कहें तो कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि होशो हवास में होना, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस में ये है कि जब भी हम व्हाटएवर वी आर अटेंडिंग टू, ठीक है, जो चीज़ हम अटेंड कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो चीज़ हम जिसको हम अटेंशन दे रहे हैं, वो हमारी कॉन्शियस स्टेट में होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको सही से समझ आई हो। आज हमने जो रूट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया और कुछ ही फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट की बात की कि जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।